नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। महाकवि भर्तृहरि के श्रृंगार शतक की बात चल रही है, ऐसे में उन्होंने नायिका की आंखों को लेकर के या स्त्रियों की आंखों को लेकर के उनकी आंखों से नील कमल जैसे सारी चारों तरफ फैल गए हों, इस प्रकार का एक विवेचन किया और आंख पे थोड़ी सी बात मैंने की। ऐसे में कुछ विद्यार्थियों का ऐसा निवेदन आया कि आंखों पे तो पूरा निबंध लिखा जा सकता है सब। मैं कहा बिल्कुल लिखा जा सकता है, तो एक छोटा सा प्रयास कि आंखों से क्या क्या होता है या आंखें क्या हैं। अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मित्रों तक इसको पहुंचाइएगा। पहले बात करते हैं कि आंखें कैसी कैसी होती हैं। जो आंखों के बारे के रूपक हैं उनसे शुरुआत करते हैं। आंखें मीनाक्षी होती हैं, मछली की सी सुंदर, कान तक लंबी, जो नृत्यांगनाओं की विशेषता होती है। आंखें मृगरेनी होती हैं, जो मुग्धा नायिका की विशेषता होती है। कालिदास की शकुंतला हो या भवभूति की मालती, मृगनेनियां थी, मुग्धा नायिकाएं थी। आंखें कमल नयन होती हैं, हमारे राम कमल नयन थे, उदात्त व्यक्ति की निशानी होती हैं ऐसी आंखें। बड़ी बड़ी आंखें चेहरे की सौंदर्य को बढ़ाती हैं, सौंदर्य की परिचायक होती हैं बड़ी बड़ी आंखें। बटन जैसी आंखें लुच्चाई को बताती हैं, जो लोग लुच्चे होते हैं, जो लोग लोगों को ठगने वाले होते हैं। ठगना दो प्रकार का होता है, एक शठ नायक भी ठगता है, लेकिन यहां उसकी बात नहीं है। जो व्यक्ति लोगों को परेशान करता है उनकी आंखें बटन जैसी होती, छोटी आंखें होती, लुच्चे लोग होते हैं। सुनैना सुंदर नेत्र वाली है तो नैना चंचल नेत्र वाली को कहते हैं। नैनों में प्रीत है, नैनों की रीत है, नैन सब कहते हैं, नैन सच कहते हैं, नैनों की भाषा कवि की अभिलाषा है, नैनों के बैना में खो जाता चैना है, खुली आंखों से काजल चोरी हो जाता है, बंद आंखों से तू और प्यारा नजर आता है। खुली आंखों से काजल चोरी हो जाता है, आंख बंद करूं तो तू और प्यारा नजर आता है। आंखों देखा सच होता है, आंखों देखा भी सच नहीं होता है। आंखें देखती हैं नहीं, आंखें नहीं देखती हैं। आंखें देखती तो हैं पर जो देखना चाहती हैं वही देखती हैं ना। आंखों को तो जो दिखाया जाता है आंखें वह देखती हैं नहीं। जहां देखने लायक होता है वहां आंखें बंद कर लेते हैं। मंदिर गए दर्शन के लिए और वहां आंखें बंद करके खड़े हो जाएंगे। जहां देखने लायक नहीं होता है वहां आंखें झांक झांक के और ताक ताक के देखती हैं। देखा देखी बहुत हुई, देखा देखी में बहुत कुछ हो जाता है। कुछ काम की बातें करें, काम का मूल है आंखें। अरे भाई, किसी को देखोगे तभी प्रेम होगा ना, तो प्रेम का मूल है आंखें। शरारत से भरपूर हैं आंखें, सीधी देखें तो शरीफ हैं आंखें, तिरछी हो जाएं तो तीर हैं आंखें। गुस्से में खाने को दौड़ती हैं, प्यार में प्रेमी को पी जाती हैं आंखें। किसी का दुख देख नम हो जाती हैं आंखें, शहीदों की शहादत पे खून बहाती हैं आंखें। आंखों में खून उतरता है तो खुली की खुली रह जाती हैं आंखें। आंखों में खून उतरता है तो खुली की खुली रह जाती हैं आंखें। कभी फट पड़ती हैं आंखें,
कभी फड़फड़ाती हैं आंखें, आंखों में बचपना है, आंखों में बचपना है, आंखों में बचपना है, आंखों में प्रौढ़ता बचपना है, आंखों में चंचलता होती है, आंखों में निश्चलता होती है, आंखों में सच है और आंखों में सिर्फ सच है। आंख कभी झूठ नहीं बोलते, व्यक्ति मुंह से झूठ बोल सकता है, आंखों में सच है और आंखों में सिर्फ सच है, आंखों में राग है, आंखों में द्वेष है, आंखों में बंधन है, आंखों में मुक्ति है, आंखों में पानी है। व्यक्ति आंखों से ज्ञानी है, आंखों में पानी है, व्यक्ति आंखों से ज्ञानी है, आंखों में चिंता है जो चिता से बढ़कर है, आंखों में डर है जो डिप्रेशन का कारक है, आंखों में माया है, आंखों में मोह है, आंखों में घबराहट है, आंखों में सरसराहट है, आंखों में सुख है, आंखों में दुख है, आंखों ने कह दिया क्या उनका रुख है, आंखों में सुख है, आंखों में दुख है, आंखों ने कह दिया क्या उनका रुख है, आंखें खुली तो ज्ञान हो गया, आंखें झुकी तो परेशान हो गया, आंखों में आंखें डाली तो सच कह गया, आंखों से चुराई आंखें तो चोर हो गया, देखा जो उसने मुझको तो दिल चोरी हो गया, देखा जो उसने मुझको दिल चोरी हो गया, मैंने देखा तो देखता रह गया, आंख मारकर फंसाया जाता है, आंख मारकर सताया जाता है, अपनों ने मारी तो आंख अपनों ने मारी तो कुछ कुछ होता है, आंख मारकर कुछ का कुछ कहा जाता है, आंख मारकर बहुत कुछ छुपाया जाता है, किसी और ने मारी आंख तो लग जाती है, किसी और ने मारी आंख तो लग जाती है, आंख लग जाती है तो सब खो जाता है, आंख लड़ जाती है तो सब कुछ पा जाता है, आंख उलझी उलझी सी दिखती है, आंख सुलझी सुलझी सी दिखती है, क्या कहें दोस्तों समय कम है, आंखों का बहुत बड़ा आडंबर है, ब्रह्मा की दृष्टि में सृष्टि है, विष्णु के नेत्र में पालन है, शिव अवढर दानी है पर नेत्र संहारक है। तो थोड़ा सा ये नेत्रों के ऊपर और आंखों के ऊपर बहुत कुछ है, मैंने एक भी फिल्मी गीत या मुहावरों को यहां पे शामिल नहीं किया है, आंखों से गोली मारे बहुत सारे फिल्मी गीत हैं इनके ऊपर, तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है, बहुत कुछ इनके ऊपर कहा जा सकता है, लेकिन ये जो आंखों का सत्य जो वास्तविकता है या आंखों के बारे में अगर आप विचार करें तो क्या क्या चीजें सामने आ सकती हैं। अगर अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब कीजिए, श्रृंगार शतक से हटके था लेकिन फिर भी आंखों से आंखों की जो बात की थी उसी से संबंधित था इसलिए प्रस्तुत किया है। धन्यवाद, सुनते रहिए, मैं हूँ डॉक्टर हरिनिवास और चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृत।